लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा है कि भैया हम 50% स्टेक बेचने के इच्छुक हैं, अच्छा प्राइस दोगे तो पूरा भी बेच देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ऐसे समय में जब एक एंटरटेनमेंट कंपनी को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, आपको कंटेंट चेंज करना है, आपको नेटफ्लिक्स जैसे अगर आप देखें प्रतिद्वंदियों से अगर आप देखें टक्कर लेनी है, उस ऐसे समय में जब मैनेजमेंट कहती है कि नहीं हम अपना स्टेक ऑफलोड करेंगे, हमारा काफी प्लेज भी है शेयर, आपका इस अंडरलाइंग में इस स्टॉक में इंटरेस्ट बचा है क्या इस वक्त? कहूंगा कि अगर आप मेरे पिछले काफी सालों के इंटरव्यू से देख भी ले कोई, तो मैं टेलीकॉम स्पेस से एकदम अगेंस्ट था। अभी एक रिटेल स्पेस है जो सारे लोगों को पसंद है, उस पे मैं अगेंस्ट हूँ ओनली बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन एंगल। आई थिंक सारे स्टॉक्स रिटेल पे काफ़ी 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 महंगे और धंधा इजी नहीं है। लगता है धंधा अच्छा है लेकिन धंधा इतना इजी नहीं। और अभी तीसरा है एंटरटेनमेंट। आई थिंक इसमें बरसों से मैं कहते आ रहा था कि एज अ स्टॉक एक ही स्टॉक पसंद है, वो है जी। लेकिन ये सेक्टर में भी मुझे नहीं लगता है कि पैसे बनाने के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है, तो मैं ये सेक्टर से भी अभी दूर हूँ। रही बात शॉर्टर टर्म में ये स्टेक सेल की बात जब भी होती है, बट नेचुरल है कि कोई भी प्रोमोटर ऊंचे भाव में चाहेगा स्टेक सेल को होने का, तो शायद एक अपसाइड ट्रिगर मिलेगी आगे चल के एक बार जी में। लेकिन ऑन इन्वेस्टमेंट एंगल आई थिंक टेलीकॉम रिटेल और अभी एंटरटेनमेंट, ये तीन सेक्टर से मैंने अपने इन्वेस्टर्स को कहा है कि इन्वेस्टमेंट एंगल से जस्ट कीप अवे। तो एक जी एक स्टॉक था जिसे मैं एंटरटेनमेंट पसंद करता था, मैं अभी कह रहा हूँ कि अपसाइड एक जरूर एक और एक लेग आ सकती है एज एन व्हेन द स्टेक सेल हैपेंस, बट अदरवाइज बाइंग एंड कीपिंग इट फॉर द नेक्स्ट 2-3-4 years, आई थिंक एज ऑफ नाउ एंटरटेनमेंट या मीडिया में कोई भी स्टॉक मुझे पसंद नहीं है। ऑलराइट।